बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, बात करेंगे हम यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ की। ठीक है, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है जिसकी हम सेकंड बुक करा रहे हैं इस पे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम सेकेंड बुक में इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारी, ये बुक है हमारी, ये जो हम वीडियो बनाने वाले हैं बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और अदर जितने भी बोर्ड है जहाँ पर NCERT चलती है, यानी कि जहाँ पे NCERT का सिलेबस है उन सभी बोर्ड में अपनी ये बुक, ये अपनी वीडियो काम आने वाली है। तो सेकंड बुक में आ चुके हैं, फर्स्ट बुक अपने कंप्लीट हो चुकी है, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेकंड बुक में हम चैप्टर पढ़ेंगे, ये है सेकंड बुक का सिलेबस। फर्स्ट बुक जो थी हमारी वो वर्ल्ड की थी, यानी उसमें हम विश्व के बारे में पढ़ रहे थे, एंड सेकेंड बुक जो है हमारी वो इंडिया की है, यानी कि इसमें हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर आपको करा दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने एक पेपर में आ सकता है या फिर आपके बुक जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो यही है, हुआ क्या था भाई हमारा जो देश था वो 14-15 अगस्त जो है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, यानी आधी रात को हमारा देश आजाद हुआ था। ये जो मध्य रात्रि को देश आजाद हुआ था इसी रात को नेहरू जी ने क्या किया था, जो हमारी संविधान सभा है, नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक बहुत फेमस भाषण दिया था, यानी एक भाषण दिया था जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इस भाषण को अगर हम हिंदी में कहें तो इसको भाग्यवधू से प्रतीक्षित भेंट नाम दिया गया, या इंग्लिश में कहें तो इसको ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा गया। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट है ये 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को नेहरू जी के द्वारा दिया गया एक भाषण है जो कि संविधान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाषण दिया था। यहाँ पे कुछ भी समझने का नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा सुन लेना था, हो गया। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, देखिए मैं आपको जो भी बताऊंगा ना बुक में कुछ चीजें मैं छोड़ूंगा और कुछ चीजें बताऊंगा, लगभग जितनी भी चीजें बताऊंगा क्वेश्चन वहां से आएंगे, और जो चीज नहीं बताऊंगा वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। बिल्कुल आराम से देखें, विश्वास के साथ सारी चीजें वही आएंगी पेपर में। तो एक क्वेश्चन बनता है कि आजादी के बाद किन दो बातों पर सबकी सहमति थी, जब अपना देश भारत आजाद हो गया या आजादी का समय था तो उस समय पे किन दो बातों पे सब सहमत थे। तो यहाँ पे दो बातें थी, सबसे पहली बात तो ये थी कि हमारा जो शासन होगा यानी अपने देश में जो सरकार चलेगी वो लोकतांत्रिक सरकार चलेगी, यानी कि अपने देश में शासन व्यवस्था कैसी होगी, लोकतंत्र वाली शासन व्यवस्था। दूसरा क्या था, दूसरी सहमति इस बात पे थी कि सभी ये चाह रहे थे कि सरकार जो है वो सभी के भले के लिए काम करे, सभी के भले के लिए मतलब जैसे कि हमारे देश में अमीर भी हैं, हमारे देश में गरीब भी है, हमारे देश में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ठीक है, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अपने देश में रहते हैं, यानी सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी राज्यों के लोगों के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके भले के लिए हमारी सरकार काम करेगी, इन दो बातों पे सभी सहमत थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ के साथ लिख भी सकते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। एक क्वेश्चन पेपर में ये ऐसा भी आ सकता है कि 1947 का साल भारत के लिए कैसा था। तो देखिए 1947 के साल में अपना देश आजाद हुआ था, सब जानते हैं भाई 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक बुरी बात भी है। बुरी बात क्या थी कि अपने देश में इस साल में बहुत हिंसा हुई थी, यानी कि 1947 में अपने देश में बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, लोगों को विस्थापन करना पड़ा, यानी एक जगह को छोड़कर मजबूर होकर दूसरी जगह पर जाकर रहना पड़ा, और लाखों लोग जो थे वो मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, हिंदुस्तान को खाली करके कुछ लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान को खाली करके कुछ लोग भारत की तरफ आए, तो ये चलता रहा, तो ये बहुत बेकार था। और एक अगर मैं आपको कहूं इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपके पेपर में पूछ लिया जाता है वो ये क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख तीन चुनौतियां कौन सी है उसको लिखो, यानी कि जब देश आजाद हो गया था उसके बाद चुनौती थी राष्ट्र निर्माण करने की, यानी अपने देश को मजबूत बनाने की, तो वो तीन चुनौतियां कौन सी थी। सबसे पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना, तीसरी चुनौती थी सारे समाज का भला करना। देखो कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक भी है जो आप खुद देख लें, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग में छोटी छोटी मिस्टेक हो जा रही है बार बार,
तो सारे समाज का भला करना, ये तीन चीजें। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एकता के सूत्र में बांधना। आपको पता है हमारे देश में कितनी विविधता है, कितनी वैरायटी है। हमारे देश में अगर हम बात करें उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अगर आप जाओगे, या फिर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में अगर आप गुजरात तक जाओगे, यानी कि देखो आप उत्तर में कन्याकुमारी यानी कश्मीर से ले सॉरी उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाओगे, या पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में गुजरात तक जाओगे, तो आपको अपना जो देश है बहुत बड़ा देश मिलेगा, और पूरा का पूरा देश विविधताओं से भरा हुआ है, यानी वैरायटी बहुत ज्यादा है अपने देश में। और अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग तरह के विचारों वाले लोग रहते हैं। अब इतने सारे लोगों को जिनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग तरह की संस्कृति है, अलग रीति रिवाज है, इन सबको एकता के सूत्र में बांध के रख पाना अपने देश में बहुत बड़ी चुनौती थी। डर लगता था कहीं आपस में लड़ाई ना हो जाए, हिंदू मुस्लिम से ना लड़ जाए, या फिर जाति जाति प्रथा ना हो जाए, मतलब जाति प्रथा वाली लड़ाई ना हो जाए कि ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को मारे, इस तरीके से ये चीजें ना हो जाए, इससे बहुत डर लगता था। तो एकता के सूत्र में बांधना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, लोकतंत्र स्थापित करना। देखो देश आजाद नहीं हुआ था, मैं अगर बात करूं 1947 से पहले की बात, जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय ही हमने डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन भी अपना देश आजाद होगा, हमारे देश में जो शासन चलेगा, हमारे देश में जो सरकार आएगी वो लोकतांत्रिक सरकार होगी, यानी कि अपने देश में लोकतंत्र वाला शासन होगा, ये बात की गई थी। तीसरा पॉइंट ये है कि सारे समाज का भला करना। सारे समाज का भला करने का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि चाहे कोई किसी भी जाति का हो, कोई किसी भी धर्म का हो, कहीं भी रहने वाला हो, सारे समाज का भला करना हमारी सरकार का काम होगा। ये तीन चुनौतियां थी हमारे सामने। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, ये पेपर में आता है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो सारी चीजें मैं आपको बहुत डीपली डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें। दो राष्ट्र सिद्धांत, या फिर जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहें तो द्वि राष्ट्र सिद्धांत, आपकी बुक में मिलेगा। द्वि राष्ट्र सिद्धांत क्या है, द्वि राष्ट्र सिद्धांत का मतलब क्या है? तो देखो मुस्लिम लीग जो थी उसने ये सिद्धांत दिया था। किसने दिया था दो राष्ट्र का सिद्धांत? मुस्लिम लीग ने दिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस सिद्धांत के तहत ये बात की गई थी कि जो इंडिया है ना हमारा, ब्रिटिश इंडिया जो था वो एक नहीं दो कौमों का देश है, यानी कि जो अपना इंडिया है वो दो कौमों का देश है, एक तो है हिंदू और एक है हमारे मुस्लिम, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम, यानी दो कौम का देश है। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करी। मुस्लिम लीग जो थी उसने कहा कि मुसलमानों के लिए जो हमारे जो मुस्लिम है उनके लिए एक अलग देश की मांग की गई। कांग्रेस ने इसका विरोध करा। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि देश का बंटवारा हो, कांग्रेस बिल्कुल खिलाफ थी, उसने विरोध करा। ठीक है, लेकिन हिंसा हो गई, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे। जब बात बिगड़ती हुई देखी गई तो कांग्रेस ने मजबूरन देश को बांटने का फैसला करा। तो 1947, अगर 15 अगस्त 1947 की बात करें तो खुशी का दिन है, देश आजाद हुआ है, लेकिन एक दुख का भी दिन है। क्यों? क्योंकि देश दो टुकड़ों में बट गया है, भारत और पाकिस्तान हो गया है, पहले जो एक इंडिया होता था। कांग्रेस ने इसका विरोध करा था। मुस्लिम लीग की बात करें तो इसके लिए दो बातें मैंने आपके सामने लिख रखी है जो कि आपको आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। पहली बात तो यह कि मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में बनी थी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए बनी थी। ये कोई राजनीतिक दल नहीं था उस समय में, ये केवल इसलिए बनाई गई थी ताकि मुसलमानों के हितों की रक्षा की जाए। लेकिन बाद में इसने अपनी मांगे इस तरीके से मांगनी शुरू कर दी जिससे कि देश को नुकसान हुआ। अगला है हमारा, एक क्वेश्चन बनता है आपके सामने पेपर में कि विभाजन जो हुआ है, हमारे देश का जो बंटवारा हुआ है, बंटवारे में क्या समस्या आई? तो देखो क्या हुआ था कि जो मुस्लिम थे वो पूरे देश में थे। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा भारत का मैप बना दूं तो आप कुछ इस तरीके से देखेंगे कि जो अपना भारत है बहुत बड़ा देश है, और भारत देश में हर जगह मुस्लिम रहते थे। ठीक है, मुस्लिम जो थे वो पूरे देश में थे, तो पूरे देश को बांटना आसान नहीं था। फिर बाद में समस्या आ रही थी कैसे बांटे कैसे बांटे, तो ऐसा पता लगा कि ऐसे दो इलाके हैं जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक थे, यानी कि एक तो था पूर्व की तरफ इधर पूर्व में, दूसरा था पश्चिम में इधर की तरफ। तो समस्या ये आ रही थी भाई, पूर्व और पश्चिम जो इलाके हैं ना, तो भाई पूर्व और पश्चिम जो इलाके हैं इनको काट कर एक जगह पे ले जाना पॉसिबल तो है नहीं कि उठाया और यहाँ से लगा दिया या इसको उठा के यहाँ लगा दिया। अब बांटे तो कैसे बांटे?
ठीक है, तो इन दोनों इलाकों को जोड़ना मुश्किल था। तो और एक समस्या और थी कि जो बाकी जगह पे मुस्लिम रहते हैं वो पाकिस्तान को जाने को तैयार भी नहीं थे, यानी सारे मुस्लिम पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। पंजाब और बंगाल के कुछ इलाकों में मुस्लिम ज्यादा थे। फिर वहां पे क्या किया गया, जिले के आधार पर बंटवारा किया गया। तो देखो हुआ क्या कि जब दो जगह पे मुस्लिम ज्यादा पाए गए, एक पूर्व में और एक पश्चिम में, तो ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान दो बनाए जाएंगे। पाकिस्तान कितने बनाए जाएंगे, दो बनाए जाएंगे। एक पूर्व में होगा जिसको हम बोलेंगे पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिम में होगा जिसको हम बोलेंगे पश्चिमी पाकिस्तान। ये समस्या बहुत ज्यादा आ रही थी। तो अब ऐसे में अगर हम बात करें पंजाब, अपना जो इधर पंजाब राज्य है, इधर जो बंगाल राज्य है, पंजाब और बंगाल इन दो राज्यों में हिंदू थे, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जो यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा थे। अब समस्या आई कि पंजाब और बंगाल को कैसे बांटे, तो फिर ये फैसला किया गया कि जिले के लेवल पे बांट दो, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम ज्यादा हैं उसे मुसलमानों को दे दो, यानी पाकिस्तान बना दो। तो ये समस्या थी। अल्पसंख्यकों की समस्या थी, अल्पसंख्यक भाई सीमा के दोनों तरफ थे, ये समस्या थी। अब बाद में क्या कर दिया कि उनको ये कह दिया गया कि चंद घंटों के अंदर देश को खाली कर दो, चंद घंटों के अंदर देश को खाली कर दो। यानी कि ये समस्या बहुत आ रही थी कि चंद घंटों के अंदर देश को खाली करने की जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई। अब इतने कम समय में कोई देश को कैसे खाली कर सकता है, आप सोचो। उन्होंने क्या करा, अपनी जान बचाई और थोड़ा बहुत सामान लिया और एक जगह से दूसरी जगह चल दिया, अपना घर बार किसानी खेती जो भी थी सब कुछ वहीं छोड़कर चल दिए। अब बात करते हैं, एक टॉपिक आएगा आगे कि विभाजन के क्या परिणाम हुए। जब देश का बंटवारा हो गया तो बंटवारे से क्या परिणाम हुए, तो देखिए सबसे पहला परिणाम तो ये होगा कि सांप्रदायिक हिंसा हुई, यानी धर्म को लेकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। अचानक स्थानांतरण हुआ, यानी जो स्थानांतरण था वो अचानक से हो गया। अचानक से कैसे हो गया, समझ सकते हो ना, पता ही नहीं था कि कब पाकिस्तान बन गया कब भारत बन गया, और उनको बोल दिया गया चलो भाई देश खाली कर दो। मजबूरन उनको शरणार्थी शिविर, यानी जो रिफ्यूजी कैंप होते हैं, उसमें रहना पड़ा मजबूर होकर। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, महिलाओं की हत्या कर दी गई, जबरन उनसे शादी कर दी गई। ठीक है, हत्या, बलात्कार और जबरन शादी, ये घटनाएं महिलाओं के साथ हुई। और संपत्ति को भी बांट दिया गया, 80 लाख लोगों ने घर छोड़ दिया। ये सारे परिणाम हुए विभाजन के। ठीक है, विभाजन के ये सारे परिणाम हुए। हुआ क्या था, देखो जैसे कि कुछ मुस्लिमों ने हिंदू महिलाओं को अगवा कर लिया था। अगर आपने एक मूवी देखी हो, मुझे याद आ रही है एक मूवी है पिंजर, कभी आपको मौका मिले तो पिंजर आप देखना। उसमें ऐसी ही कुछ बंटवारे की स्टोरी है, और ये सारी स्टोरी जो आप पढ़ रहे हैं आपको कुछ चीजें उसमें मिलेगा। तो कुछ मुस्लिमों ने क्या करा, हिंदुओं की महिलाओं को अपने कब्जे में ले लिया और उनसे जबरन शादी कर ली। तो ऐसे में भाई उनका धर्म परिवर्तन हो गया। तो ऐसे में कुछ लोगों ने अपने घर की महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए खुद ही उनको, अपनी बहू बेटियों को जान से मार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई वो किसी मुस्लिम के साथ जाकर ऐसा वो हो, तो इसलिए उन्होंने उनको मार देना ही उचित समझा। ये सारी चीजें हुई थी बंटवारे के समय। एक टॉपिक आपके सामने है महात्मा गांधी का। आपको पता है देश आजाद हो गया था, सारा देश खुश था क्योंकि देश आजाद हो गया, पर महात्मा गांधी जो थे वो किसी भी आजादी के जश्न में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो देश में हो रही हिंसा से दुखी थे, यानी देश में जो हिंसा हो रही थी गांधी जी उससे बहुत ज्यादा दुखी थे। वो उन दिनों कलकत्ता चले गए, महात्मा गांधी कहाँ गए, कलकत्ता गए, हिंसा रोकने की उन्होंने अपील की। और गांधी जी की बातों का चमत्कारिक असर होता था, महात्मा गांधी जहां जाते थे उनके लाखों फैन उनके आसपास आ जाते थे, उसमें हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। तो महात्मा गांधी ये कहते थे कि हिंसा को रोक दो, लड़ाई झगड़ा मत करो, एक दूसरे को मत मारो काटो। तो कई जगह हिंसा रुक भी गई। फिर गांधी जी दिल्ली आ गए, 1948 में उन्होंने उपवास रखा, और ये उपवास जो था इनकी जिंदगी का आखिरी उपवास साबित हुआ। इनके उपवास से हिंसा तो कम हो गई, तनाव भी कम हो गया, लेकिन जो समस्या थी वो समस्या ये हुई कि महात्मा गांधी की कुछ समय के बाद हत्या कर दी गई। क्यों की गई, अभी आपको बताते हैं। तो याद रखो सबसे पहले कि किसने हत्या करी, तो नाथूराम विनायक गोडसे था। 30 जनवरी 1948 को उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। क्यों हत्या की, ऐसा माना जाता था ये जो नाथूराम गोडसे था ये एक हिंदू था, और इसको ऐसा लग रहा था कि जो गांधी जी हैं वो मुस्लिमों को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस बात से वो नाराज था और इसलिए उसने जाके महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो ये है, यहां से भी क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं।
जितने टॉपिक आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आपके पेपर में वहीं से आते हैं। अब एक टॉपिक आपके सामने आ जाता है रजवाड़े। रजवाड़े रजवाड़े क्या होते हैं? देखिए अपना देश जो था, अगर मैं यहाँ पे भारत का नक्शा बना दूं आपके सामने, तो अपना जो देश भारत है, ये कई सारी छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, हमारे देश में लगभग 565 रियासतें हुआ करती थी। जैसे कि एक रियासत यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, इस तरीके से पूरा देश रियासतों में बटा था और इन 565 रियासतों में राजा का शासन होता था। तो ये तो हमारे रियासत थे और राजा जो होते थे अपनी प्रजा के लिए काम करते थे। कुछ राजा अच्छे भी होते होंगे और बहुत सारे राजा बुरे भी थे। तो ये है हमारा रजवाड़े। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। रजवाड़े से क्या समझते हो? देखिए जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इन रजवाड़ों के राजाओं को भी अपना अधीन बना लिया, यानी गुलाम बना लिया। यानी जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा तो वो था जिसमें अंग्रेजों का शासन था डायरेक्ट, यहाँ पे अंग्रेजों का शासन बिल्कुल सीधा था, प्रत्यक्ष डायरेक्ट। और दूसरा था यहाँ पे इनडायरेक्ट शासन था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रजवाड़े थे, यानी यहाँ पे शासन तो राजा करते थे लेकिन राजा जो थे वो अंग्रेजों की बात मानते थे, राजा जो थे अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, यानी जो डायरेक्ट जहां पे शासन होता है यहाँ पे अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज सीधा नियंत्रण नहीं करते थे, अंग्रेज ने राजा को गुलाम बना रखा था और राजा ने जनता को गुलाम बना रखा था। ठीक है, तो ऐसा होता था, यानी राजाओं के द्वारा शासन कराया जाता था लेकिन अंग्रेज ही शासन करवाते थे। तो ये हमारा जो ब्रिटिश इंडिया था, ये आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है ना टॉपिक में, आप प्लीज वीडियो को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार जब तक समझना है तब तक देखा करें। आपको हर एक चीज ऐसे समझ में आ जाएगी कि आपको कभी भी बुक में ढूंढने की कोई चीज जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं रजवाड़ों की समस्या। बताओ देश में 565 रियासतें थी, हम जानते हैं कि देश में अपने 565 रियासतें थी। ऐसे में देश के टूट जाने का खतरा था क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा की कि जैसे ही हमारा ब्रिटिश प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, यानी जब हम देश को छोड़ के चले जाएंगे, तो उसके बाद रजवाड़े जो हैं वो आजाद हो जाएंगे। अब रजवाड़ों की मर्जी है, या तो रजवाड़े भारत में शामिल हो जाएं, या तो रजवाड़े पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर रजवाड़े स्वतंत्र हो जाए, आजाद रहे। अंग्रेजों ने जाते जाते भी एक फूट डाल दी। अब भाई देखो, अगर रजवाड़े पाकिस्तान में जाते हैं तो भारत का नुकसान है, अगर वो स्वतंत्र होके रहते हैं तो भी भारत का नुकसान है। भारत का फायदा तभी है जब रजवाड़े भारत में शामिल हो जाए। और समस्या ने रंग दिखाना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले जो त्रावणकोर है वहां के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने का ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई मैं अपने राज्य को आजाद रखूंगा, ना तो मैं भारत में जाऊंगा ना मैं पाकिस्तान में जाऊंगा। इसकी समस्या आई। अगले दिन हैदराबाद का जो निजाम था उसने भी यही बोल दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा भारत में। और ये निजाम जो था ये मुस्लिम था और इसका रुझान जो था थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान की तरफ था। ठीक है, पाकिस्तान इसे हथियाना भी चाहता था। तो ये समस्याएं सामने आने लगी। अब ऐसे में देश टूटने का खतरा हो गया। क्यों? देखो देश में 565 रियासतें थी, एक ने कह दिया कि मैं नहीं स्वतंत्र रियासत रखूंगा, दूसरे ने कह दिया मैं स्वतंत्र रखूंगा। मान लो अगर 565 के 565 ने कह दिया कि मैं स्वतंत्र रखूंगा तो देश के 565 टुकड़े हो जाएंगे। अब जब देश के 565 टुकड़े हो जाएंगे तो देश की आजादी मिलने का फायदा क्या है? कोई फायदा ही नहीं है। तो क्या होगा? ऐसे में देश के टूटने का बहुत बड़ा खतरा सामने आया। लेकिन हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, पटेल जी ने बहुत ही सूझबूझ के जरिए इन रियासतों को टूटने से बचा लिया, यानी रियासतों को अलग होने से पटेल जी ने बचा लिया। देश में रजवाड़ों की समस्या को देखकर ऐसा लगा जैसे देश टूट जाएगा। ऐसे में वल्लभ भाई पटेल ने समझदारी दिखाई और रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, और उनसे एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करवा लिए जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो एक सहमति पत्र है, एक डॉक्यूमेंट है जिसपे इनसे साइन करवाए और इनको कुछ सुविधाएं दी और राजाओं को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए पटेल जी ने मना लिया। 565 की 565 रियासतों में से केवल 4 रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, बाकी सारी रियासतें भारत में शामिल हो गई। अब ये 4 रियासतों की समस्या आ रही थी, बाकी आपको आगे बताने वाला हूं मैं। वो 4 रियासतें कौन थी, कौन सी थी? चलिए आप आज कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि वो 4 रियासतें कौन सी थी जिसको भारतीय संघ में
शामिल करने में दिक्कत आ रही थी। आप मुझे कमेंट में चारों रियासतों के नाम लिखकर दीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि नागपुर अधिवेशन के बारे में विस्तार से बताइए। नागपुर अधिवेशन के बारे में विस्तार से, बिल्कुल डीपली बताओ। देखिए भाई, हुआ क्या, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा डूबते हैं, कंफ्यूज होते हैं, नहीं समझते हैं। मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए भाई, अपना देश आजाद कब हुआ था? अपना देश आजाद हुआ 1947 में, हम जानते हैं देश आजाद हुआ 1947 में। लेकिन हमने एक बात 1920 के नागपुर, जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था, वहां पे पहले से ही डिसाइड कर ली। यानी 1920 में हमने एक डिसीजन ले लिया, एक फैसला ले लिया, जबकि देश आजाद भी नहीं हुआ। फैसला क्या था? फैसला ये था कि कांग्रेस ने मान लिया था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो हम राज्यों को अरेंज करेंगे, या फिर उसका पुनर्गठन करेंगे, उनको दोबारा से सही करेंगे। यानी राज्यों का पुनर्गठन करेंगे और भाषा के आधार पर वो करेंगे। हमने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया था, देश आजाद भी नहीं हुआ था। अब देश 1947 में आजाद हो गया, हमने मांग कर दी। लोगों ने क्या करा, लोगों ने मांग करनी शुरू कर दी, कांग्रेस को याद दिलाना शुरू कर दिया कि आपने 1920 में कहा था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो उसको दोबारा से पुनर्गठित करोगे राज्यों को, तो अब देश आजाद हो गया, चलो करो पुनर्गठित दोबारा। अब भाई कांग्रेस को डर लग रहा था। डर क्या लग रहा था? कांग्रेस को ये डर लग रहा था कि रजवाड़ों की समस्या से अभी बड़ी मुश्किल से निपट पाए, देश में इतनी हिंसा हो गई, देश के पहले से दो टुकड़े हो चुके हैं, फिर उसके बाद रजवाड़ों की समस्या और देश के विकास की समस्या, इतनी सारी समस्या ऑलरेडी है। अब ऐसे में अगर हम राज्यों को भाषा के आधार पे इस टाइम पे पुनर्गठित करें, यानी कि राज्यों को भाषा के आधार पे रीअरेंज करने की कोशिश करें, तो देश टूट सकता है। क्यों टूट सकता है, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए एक राज्य है, ठीक है, गुजरात, या पे आप इसे बॉम्बे समझ लो, एक राज्य है बॉम्बे। यहाँ पे दो भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, एक है गुजराती भाषा बोलते हैं, एक है मराठी भाषा बोलते हैं। इन्होंने ये कह दिया कि भाई हमारे लिए अलग राज्य बना दो जिसे हम गुजरात बोलेंगे, दूसरे ने कह दिया अलग राज्य बना दो जिसे हम महाराष्ट्र बोलेंगे। सरकार ने मान लो इनकी मांग को मान लिया और राज्य बना दिए, तो उससे क्या होगा भाई, देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है बहुत सारे राज्यों में, वहां पे भी डिमांड आने लग जाएगी, वो भी बोलेंगे हमारे राज्य को भी बांटो, तुमने गुजरात और महाराष्ट्र तो बना दिया, अब हमारे राज्य को भी बांटो। अब देश में दूसरी जगह भी वही मांग, तीसरी जगह भी वही, मान लो 50 या 100 जगह से ऐसी मांग आने लग जाए, तो देश के 100 टुकड़े थोड़ी ना सरकार कर देगी। सरकार को डर लग रहा था कहीं दोबारा से सीन ना हो जाए कोई ऐसा, इसलिए सरकार कोई फैसला लेने से हिचकिचा रही थी, ठीक है। तो ये आपको समझनी थी बातें आजादी की। एक चीज देखिए, आजादी के बाद स्थिति बदली, एक देश का बंटवारा हुआ, एक तो मतलब देश का बंटवारा हुआ, नेताओं को ऐसा लग रहा था अगर भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन कर देंगे तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, देश को टूटने का खतरा हो जाएगा, इसलिए सरकार कुछ भी फैसला लेने से डर रही थी। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो सरकार डर रही थी, फिर बाद में क्या हुआ, एक ऐसा ही कुछ सीन हो गया कि सरकार को मजबूर हो गया, उनकी बात माननी पड़ी। क्यों? देखिए, भाषा के आधार पे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश ऐसे ही नहीं बन गया, इसके पीछे बहुत लंबी लड़ाई चली, इसकी कहानी है एक बड़ी, आपको सुनाता हूं। देखो, पुराना मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध उठा, तेलुगु भाषी जो लोग थे इन्होंने विरोध करा कि हमारी भाषा के आधार पे हमारे लिए एक अलग राज्य बना दो आंध्र प्रदेश, मांग उठी। अब भाई वही मांग से सरकार पहले ही डर रही थी। तो अगर बात करें पुराने मद्रास में, तो पुराना मद्रास जो दक्षिण भारत, देखते हो ना आप नीचे की तरफ जो हमारा भारत है, ये जो पूरा दक्षिण भारत का बड़ा सा हिस्सा है वो मद्रास में आता था। आज के समय तो ये कई हिस्सों में टूट गया, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आज के समय में ये राज्य शामिल है, लेकिन उस टाइम पे एक बड़ा राज्य होता था केवल, जिसको हम मद्रास बोलते थे दक्षिण भारत में। तो यहाँ पे एक आंदोलन हुआ, आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग चल दी, इन्होंने बोल दिया कि आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बना दो। तेलुगु भाषी जो लोग थे, तेलुगु भाषी जो क्षेत्र थे, उसको अलग कर दो और आंध्र प्रदेश बना दो। एक नेता थे कांग्रेस के, पोटी श्री रामुल्लू, ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ गए,
इन्होंने कहा कि अगर सरकार मेरी बातों को नहीं मानेगी तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। और ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। 56 days यानी कि 56 दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। 56 दिनों तक उन्होंने हड़ताल करी, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन 56 दिनों के बाद जब उनकी मौत हो गई तो हिंसा हो गई, लोग भड़क गए। उन्होंने बोला सरकार तो अंधी बहरी हो गई है, यहाँ तो लोग मर रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही। विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के ही थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब ऐसी समस्या हुई तो हिंसक आंदोलन हो गए, घटनाएं ऐसी हुई कि लोग सड़क पर आ गए, विधायकों ने इस्तीफा दे ही दिया था, बहुत ज्यादा हिंसा हुई। अंत में नेहरू जी परेशान हुए, उन्होंने आंध्र प्रदेश की मांग मान ली। उन्होंने बोला ठीक है भाई, हाथ जोड़कर बोल दिया, ठीक है भाई मैं तुम्हारी बातों को मान लेता हूँ, आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बना दिया जाएगा। अब खुश हो गए, इस तरीके से उन्होंने बोला। सबने बोला ठीक है आप बना दीजिए। सरकार ने एक आयोग बना दिया जिसको हम बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि 1953 में बना था। ये आपको याद रखना है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में। इसका काम क्या था? इसका काम था कि देश भर में जनसंख्या जो है उसको देखो कि किस राज्य में किस भाषा को बोलने वाले कितने लोग रहते हैं, फिर उस हिसाब से हम क्या करेंगे, भाषा के आधार पे उसको दोबारा से पुनर्गठन करने की कोशिश करेंगे। तो इसका काम था। तो 3 साल तक इसने भाई अपनी खूब जांच पड़ताल करी और 3 साल बाद रिपोर्ट पेश कर दी, यानी 1956 में। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था, एक कानून जो था, वो पारित हो गया, यानी पास हो गया। उसमें कह दिया गया कि भाई भाषा के आधार पर राज्य को बना दिया जाए, यानी कि इसने सिफारिश कर दी कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो कर दो, लेकिन भाषा के आधार पर कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब इसने ये बात कर दी तो फिर उसके बाद बन गया राज्य। तो सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था वो आंध्र प्रदेश था। उन लोगों ने कौन सी भाषा को लेकर विरोध करा था? तेलुगु भाषा के बोलने वाले लोग थे, कहते थे हमारे लिए अलग बना दीजिए। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी 4 रियासतें थी जिनकी विलय में दिक्कत आई, लेकिन यहाँ पे तो आपको आपको आंसर मिल ही गया है, कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद और जूनागढ़। देखिए क्वेश्चन आपके पेपर में कहाँ से आएगा आप याद रखिए, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो केवल 2 जगह से आएगा, या तो मणिपुर से पूछा जाएगा या हैदराबाद से पूछा जाएगा, जूनागढ़ नहीं पूछा जाएगा। आप इसको बिल्कुल याद रखें, जूनागढ़ आपसे नहीं पूछा जाएगा, और हो सकता है बहुत कम चांस है कि आपसे कश्मीर पूछा जाए। तो लेकिन मैं आपको 3 जो पूछे जाएंगे तीनों के बारे में बता देता हूँ। देखिए कश्मीर की रियासत को मिलाने में क्या दिक्कत आई, थोड़ा ये समझने का प्रयास कीजिए। कश्मीर जो है, यहाँ की जो जनता थी ज्यादातर लोग मुस्लिम थे, बट यहाँ पे जो राजा थे हरी सिंह, राजा का नाम था हरी सिंह, ये हिंदू थे और ये चाहते थे कि वो कश्मीर को अलग रखें। पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता है आज भी, तब भी और आज भी पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर जो है उसका है, पाकिस्तान कश्मीर को अपने में शामिल करना चाहता था। पाकिस्तान ने दबाव बनाया, कश्मीर में अपनी सेना भेज दी, और उसने ये सोच के सेना भेजी थी कि लोग मुस्लिम है तो इसलिए जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान का साथ देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, मुस्लिम लोगों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ठीक है, जब सेना आ गई तो राजा जो थे, राजा परेशान हुए, राजा ने भारत से मदद मांगी, भारत ने मदद दे दी, भारत ने कहा ठीक है हम आपको मदद कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या थी? कि भाई आपको हमारे भारत में मिलना पड़ेगा। कश्मीर ने मान लिया, यानी कि राजा हरि सिंह ने मान लिया, लेकिन नेहरू जी ने विशेष अधिकार का दर्जा वाली जो बात थी, विशेष अधिकार दे दिए। वो विशेष अधिकार आज तक नहीं हटाए गए, आज भी हमारे गले में फांस बनकर चुभ रहे हैं वो विशेष अधिकार, जो कि कश्मीर को हमारा होकर भी हमारा नहीं होने देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 370 वगैरह जो है आपको आगे डिटेल में बताई जाएगी आगे के चैप्टरों में। कश्मीर को विशेष अधिकार भी दे दिए और हमारा रुख लचीला था इसलिए वो कश्मीर भारत में शामिल भी हो गया। तो ये हुई पूरी कहानी। अब बात कर लेते हैं दूसरी रियासत हैदराबाद। हैदराबाद कैसे भारत में मिली, इसकी भी एक स्टोरी है खतरनाक। देखिए हैदराबाद के जो राजा थे, हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था और ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में नाम आता था निजाम का। ये बहुत ही अत्याचारी था, किसानों को, महिलाओं का बहुत शोषण करता था, उनको बहुत परेशान करता था। निजाम के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया, निजाम ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने गुंडे भेज दिए जिनको रजाकार कहा जाता था। रजाकार कौन थे? पेपर में आ सकता है 1 नंबर में, रजाकार जो थे निजाम के गुंडे थे। ठीक है, उसने गुंडे भेज दिए। ये जो रजाकार थे बहुत ही सांप्रदायिक थे, यानी अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक थे। इन्होंने मुसलमानों को तो नहीं मारा,
लेकिन जितने भी गैर मुसलमान थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन बौद्ध कोई भी हो, उनको मारना काटना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कट्टर थे, सांप्रदायिक थे। इसलिए रजाकारों ने खूब लूटपाट मचा दी, हत्या कर दी, महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया, और ये घटनाएं बहुत ज्यादा हुई उस टाइम पे। फिर भारत ने क्या किया, अपनी हमने हमारी सरकार ने अपनी सेना भेज दी, और सेना एक तरफ थी सेना और एक तरफ थे ये रजाकार गुंडे। सेना और रजाकार गुंडों के बीच में हुई खूब लड़ाई, उसके बाद हमारी सेना जीत गई, रजाकार हार गए, और इस तरीके से हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। लेकिन ये जो हैदराबाद का भारत में विलय हुआ, ये देखा ना आपने कितनी मुश्किलों के बाद हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है, महिलाओं ने और किसानों ने निजाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया था, और निजाम ने गुंडे भेज के आंदोलन को खत्म करवाने की कोशिश की थी, इसीलिए ये सारी लड़ाई झगड़ा हुआ। इसके बाद बात कर लेते हैं नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, नए राज्यों के निर्माण से पहले मैं आपको मणिपुर वाली रियासत भी बता देता हूँ, ताकि टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाए। देखिए मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर के राजा का नाम था बोध चंद्र सिंह। ये भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पे हस्ताक्षर इन्होंने कर दिए थे, ठीक है, साइन तो ये कर चुके थे। इसके बदले में इनको स्वायत्तता बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया कि आपको विशेष अधिकार मिलते रहेंगे। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां पे सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रयोग करके 1948 जून में चुनाव कराए गए थे। अब ये सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब देश में जो भी 21 साल का है उसको वोट देने का अधिकार है। माफ कीजिए, आप 18 समझ रहे होंगे, बट 18 उस समय में एज नहीं थी वोट देने की, उस समय में एज थी 21 साल। बाद में इसको 1989 में घटाकर कर दी गई थी 18 साल, आपके समय में 18 साल है, बट ये बात चल रही है 1948 की, उस समय में 21 साल थी। यानी कि देश में जो भी 21 साल का है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को वोट देने का अधिकार है, ये बातें थी। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी, देखिए क्या चाहती थी मणिपुर की कांग्रेस, मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए। यानी कि वहां की कांग्रेस चाहती है, लेकिन जो वहां की जनता है वो नहीं चाहती कि मणिपुर का विलय भारत में हो, ये समस्या आ रही थी। जनता कह रही है कि मणिपुर का विलय जो है भारत में कर तो लिया, जनता खुश नहीं है। जनता कहती है कि हमारे राजा बोध चंद्र सिंह को दबाव डालकर, यानी उनको दबाव में लाकर, उनसे जबरन भारत में शामिल करवाने वाले सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करवाए थे, यानी कि जबरदस्ती साइन करवा लिए उनसे, ये कहते हैं। तो आपको तीनों रियासतें मैंने बता दिए, जो कि आपके पेपर में यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। एक बात कर लेते हैं नए राज्यों के निर्माण की। ये जो आप देखते हो, आपको पता है जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे 14 राज्य थे भारत में और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज के टाइम पे 29 राज्य हैं, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 में 29 राज्य हैं, ठीक है, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 14 से 29 हो गए, यानी 2 गुने से भी ज्यादा हो गए, लगभग 2 गुने से ज्यादा हो गए, 14 से 29। ये कैसे हुए, एक ही राज्य को कई टुकड़ों में बांटा गया इसलिए ये ज्यादा हुए। एग्जाम्पल आपके सामने, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बन गए, 1966 में पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश बन गए, 2000 में छत्तीसगढ़ झारखंड और उत्तराखंड बन गए। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना, एक ही राज्य में से दो दो तीन तीन राज्य जो बनाए जा रहे हैं, इसी की वजह से राज्यों की संख्या बढ़ गई। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है। तो ये तो था हमारा कंप्लीट चैप्टर, और कंप्लीट चैप्टर में जो चीज आपके पेपर में पूछी जाती है वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल डीपली बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो मैंने चैप्टर की ऑलरेडी बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई थी, और हमारे बच्चों के 99 और 100 तक मार्क्स आ चुके हैं। हमने इंटरव्यू वीडियो भी डाली है टॉपर की, आपने नहीं देखी है तो प्लीज इंटरव्यू वीडियो देखिए, और वो वीडियो और ये वीडियो दोनों एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क उसमें यह है कि उसमें ज्यादा डीपली बताया गया है उन वीडियो में, तो वो वीडियो कई पार्ट में है, 1 2 3 4 5 पार्ट में आपको मिलेगी, बट यहाँ पे आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं, इसलिए ये वीडियो आपको एक ही पार्ट में मिलेगी, बस ये फर्क है। और इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें हम ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कॉमेंट कर दिया करें, शेयर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।